दुख घड़ी में सही निर्णय लेने का बड़ों का कर्तव्य है। यह बात राष्ट्रीय संत गोविंद देव गिरी महाराज ने कही। पुष्कर स्थित ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ में चल रही 9 दिवसीय वाल्मीकि राम काट के छठे दिन भक्तों को कथा का रसपान करते हुए कहा। उन्होंने भक्तों को राम कथा रसपान करते हुए बताया कि बड़े बुजुर्गों को दुख के समय सही रूप से निर्णय लेकर कार्यों को सफल बनाने से सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने राम कथा में आज भगवान राम वनवास और राजा दशरथ की पुत्र विलाप में मृत्यु का प्रसंग सुनाया। राम कथा में राजा दशरथ की पुत्र विलाप मृत्यु का प्रसंग सुनकर भक्तों की आंखें नम हो गई। नहीं राजभवन चीखों से, विषाद से, दुख से दुख के उद्गारों से भर गए। विदाउट के लिए आए, समझाने का प्रयास किया, दोनों भाई ननिहाल में हैं, मिलटापट निर्णय लेकर के तुरंत योग्य दिशा में सबको ले जाना, यही सब बड़ों का ज्येष्ठों का कर्तव्य होता है। इन दूतों के साथ उन्होंने कुछ मिठाई दी, कुछ वस्त्र अलंकार दिए, राजनीति है। आज का संदेश हमें यह प्राप्त हुआ है कि हम सबने देखा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास को गए। वनवास को क्यों गए? उनके पिता दशरथ जी ने वनवास जाने की आज्ञा नहीं दी, लेकिन पिता की द्वंद दुविधा को वह भाप लिए और पिता की समस्या को समझते हुए कलंक, अपने कुल पर कलंक नहीं लगे कि वचन तोड़ने का, वचन द्रोही का, इसलिए वचन को पालन करने के लिए, कुल की कीर्ति के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी वन को गए और पुत्र के वियोग में, आज पुत्र के अभाव में और वियोग में राजा दशरथ जी का आज स्वर्गवास हो गया। साथ ही शिक्षा में यह मिलती है कि मनुष्य को परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसके लिए संसार का सारा सुख और वैभव पिता के समान, गुरु के समान, माता के समान, वह वैभव कुछ भी नहीं है। सबसे ऊपर है पिता की आज्ञा का पालन करना, उनकी इच्छा को पूरी करना।